जैसे जैसे गेमिंग इवॉल्व कर रही है वैसे वैसे वीडियो गेम्स को भी फिल्म्स की तरह सीरियसली लिया जा रहा है, और ये गेमिंग स्टूडियो पे डिपेंड करता है कि वो अपने मेन करेक्टर को किस तरह पोर्ट्रे करता है, एंड रॉकस्टार गेम्स इस चीज में बहुत अच्छा है। और उसके इतने बड़े GTA यूनिवर्स को सभी पसंद करते हैं, तो आज मैं GTA के टॉप 10 प्रोटैगनिस्ट को वर्स्ट टू बेस्ट बताऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे नंबर 10 से, और उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन होने वाला है। बहुत लोगों के लिए GTA 3 का प्रोटैगनिस्ट क्लॉड बेस्ट है, क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसे में हम घर पर बैठे खेलते हुए अपने खुद के रिएक्शंस और डायलॉग्स उस पर ऐड कर सकते हैं, और बहुत लोगों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बोले या ना बोले, क्योंकि या तो इसीलिए कि रॉकस्टार ने इतनी अच्छी तरह से डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले लिखा है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बोले, और एक बात ये भी है कि क्लॉड के चुप रहने की वजह से वो एक साइलेंट वेपन लगता है, तो चाहे गाड़ियां तोड़नी हो, ट्रायड्स को खत्म करना हो, या रूल तोड़ के कोई भी क्राइम करना हो, वो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचता। और चलो वो जैसा भी हो, वो GTA के पहले 3D गेम का मेन करेक्टर है जो बहुत लोगों को पसंद आता है। फिर आता है विक्टर वैंस, जो GTA Vice City Stories का प्रोटैगनिस्ट है। वो पहले एक ऑनरेबल US सोल्जर था जिसकी अपनी मॉरल वैल्यूज है, लेकिन उसका कमांडिंग ऑफिसर उसे ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करा देता है और उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो Vice City की सड़कों पर हर तरह का क्राइम करता हुआ दिखता है, और उसका साथ देता है उसका भाई लैंस वैंस, लेकिन वो अभी भी अपनी मॉरल वैल्यूज का पक्का है, और जो वो ज़्यादातर क्राइम्स करता है वो सिर्फ अपने भाई पीट के लिए, क्योंकि उसका भाई पीट को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसकी मेडिकेशन के लिए उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो ये सब क्राइम्स कमिट करता है। तो विक्टर वैंस एक प्रूफ है कि क्रिमिनल का भी हार्ट हो सकता है। Vice City गेम की स्टार्टिंग में लैंस और विक्टर एक ड्रग डील करने जाते हैं, जहां एक अटैक में विक्टर वैंस मर जाता है। अगर GTA 4 को देखें तो उसकी थोड़ी सीरियस टोन थी एज कम्पेयर टू Vice City या फिर San Andreas, लेकिन फिर GTA 4 की जो DLCs आई उन्होंने वो कमी पूरी कर दी। उसमें से एक DLC है द बैलेड ऑफ गे टोनी, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। अब नाम सुनकर तो लगेगा कि प्रोटैगनिस्ट टोनी होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका प्रोटैगनिस्ट है लुइस फर्नांडो लोपेज। DLC के इवेंट से पहले लोपेज टोनी का बॉडीगार्ड था, और अगर आप देखोगे तो लोपेज को काफ़ी लॉयल दिखाया गया है, क्योंकि जब एंड में लोपेज को टोनी को मारने का काम दिया गया तब उसने टोनी को बचाकर किसी और को मार दिया। अगले नंबर पे है द लॉस्ट एंड द डैम्ड का प्रोटैगनिस्ट जॉनी क्लिबिट्स। वो देखने में काफ़ी मीन लगता है, क्योंकि उसके पूरी बॉडी पर टैटूज हैं और वो एक बाइकर भी है। वो निको का दोस्त था और द बैलेड ऑफ गे टोनी में भी अपीयर हुआ था, लेकिन उसके फैंस तो उसे द लॉस्ट एंड द डैम्ड की वजह से ही याद रखते हैं, पर रॉकस्टार उसका शायद इतना फैन नहीं था, क्योंकि GTA 5 में ट्रेवर के हाथों मेरा मतलब पैरों द्वारा मरवा दिया गया। 6th नंबर पे है फ्रैंकलिन क्लिंटन। GTA 5 की प्रेजेंट स्टोरी की शुरुआत में हमें सबसे पहले उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहली बार देखे तो वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो अपनी आंटी के साथ नहीं रहना चाहता, और वो कार चुराने जैसे छोटे मोटे काम नहीं करना चाहता, वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। लमार से बात करते हुए भी वो हर बार यही कहता था कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन कुछ बड़ा करके ही मरूंगा। क्या आप ये सब फ्रैंकलिन के मुंह से सुन लो। फिर वो मिला माइकल से, जिसके बाद तो जैसे उसकी जिंदगी पलट गई। उसने बैंक लूटे, ज्वेलरी स्टोर्स लूटे, कनेक्शंस बिल्ड किए और बहुत पैसा कमाया। देखा जाए तो पूरी GTA 5 में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उसी की हुई थी। निको बेलिक ने यूगोस्लैव वॉर्स लड़ी हैं, और उसके बाद वो लिबर्टी सिटी में आकर माफिया या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़ता है। वो अमेरिका आया था ताकि वो इन फेमस अमेरिकन ड्रीम जी सके, लेकिन अमेरिका में भी उसको बहुत प्रॉब्लम्स मिली। निको काफ़ी अलग टाइप का करेक्टर है अगर देखा जाए तो, एज कम्पेयर टू अदर प्रोटैगनिस्ट ऑफ GTA सीरीज। काफ़ी सीरियस और डार्क दिखाया गया है, लेकिन उसका भी अपना ही एक फैन बेस है। माइकल द सेंटा, जो एक टाइम पर प्रोफेशनल क्रिमिनल था और बड़ी बड़ी हाइस परफॉर्म करता था, एक वक्त बाद वो सिर्फ अपने फैमिली इशूज में ही फंस कर रह गया था। दुनिया की शायद सभी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में थी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सभी प्रॉब्लम्स का कारण भी वो खुद ही था, क्योंकि पहले उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी झूठ बोला और फिर अपनी फैमिली की भी ढंग से केयर नहीं कर पाया। चलो जो भी है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि वो अपने पुराने ग्लोरियस डेज दोबारा जी पाया, मतलब क्रिमिनल लाइन में दोबारा वापस आया। GTA गेम्स में अक्सर कोई बंदा नीचे से टॉप पे जाता है, लेकिन माइकल के पास पहले से ही लाइफ में बहुत कुछ है, और इसीलिए वो एक काफ़ी अलग करेक्टर है GTA सीरीज में। अब 3rd पोजीशन पर आता है GTA Vice City का प्रोटैगनिस्ट टॉमी वर्सिटी। टॉमी एक्चुअल में स्कारफेस मूवी के टॉनी मोंटाना से इंस्पायर्ड है। दोनों ही Vice City या फिर आप कह सकते हो मियामी आए थे। दोनों को गैंग से निकाल दिया गया था।
और दोनों हवाईयन शर्ट पहनकर सिटी में आए थे। भले ही टॉमी पूरे GTA 3D यूनिवर्स का पहला कैरेक्टर था जो बोल सकता था, लेकिन उसने कभी भी एफ वर्ड नहीं बोला। लेकिन इससे आप ये मत समझ लेना कि वो सीधा था। जब टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाली जाती है ना, तो उसका नाम फर्स्ट पोजीशन पर मिलता है। उसका गुस्सा बहुत तेज था, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए काफी लॉयल भी था। सेकेंड नंबर पर है सबका चहीता कार्ल जॉनसन द CJ, जो ग्रूव स्ट्रीट फैमिली का सेकेंड इन कमांड है, लेकिन उसकी गैंग अपनी रिस्पेक्ट और पावर खो चुकी है। CJ अभी अभी लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस आया है और पूरी गेम में उसका यही काम होता है कि उसे अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को वापस बिल्डअप करना है। साथ ही उसे कुछ करप्ट ऑफिसर्स को भी हैंडल करना है, जैसे कि फ्रैंक टिपेनी। CJ के तौर पर खेलने का बेस्ट पार्ट ये है कि वो मोटा भी होता है, उसे भूख भी लगती है और वो बॉडी भी बना सकता है। बल्कि GTA ऑनलाइन के एवटार से पहले वो GTA सीरीज का मोस्ट कस्टमाइजेबल करेक्टर है। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है वो आप समझ ही गए होंगे। पूरी GTA फ्रेंचाइजी में अक्सर ऐसे करेक्टर्स लाए जाते हैं जो एंटरटेनिंग हो, लेकिन ये तो इनसेन है। अक्सर लोग जब उसे बुलाते हैं तो दो चार कसवर्ड भी बोलते हैं। जी हाँ, मैं ट्रेवर फिलिप्स की बात कर रहा हूँ। वो सबसे क्रेजीएस्ट बंदा है जो आपने पूरी GTA सीरीज में देखा होगा। उसमें इमोशंस भी हैं और गुस्सा भी, और लस्ट तो कूट कूट कर भरा है। ट्रेवर के रोल के लिए स्टीवन ऑक की भी तारीफ की जाती है। शायद रॉकस्टार कभी ऐसा क्रेजी करेक्टर दोबारा नहीं ला पाएगा, बट स्टिल वी वॉन्ट टू सी कि वो GTA 6 में क्या कमाल करता है। और गाइज, ये लिस्ट यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने 10 करेक्टर्स, टॉप 10 करेक्टर्स ऑफ GTA यूनिवर्स को रैंक किया है फ्रॉम 10 टू 1, फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो गेमिंग में इंटरेस्टेड है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले रहा। बाय बाय गाइज़।